चुनावी सभाएं जारी हैं तो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में 4 सभाएं करेंगे। खुरई, भोपाल, धार, सारंगपुर में चुनावी सभा आयोजित होने वाली है और इसी के साथ अब तक 122 सीटों पर सभाएं कर चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रचार के अंतिम दिन तक 180 से ज्यादा सीट कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। ताबड़तोड़ प्रचार जारी है, लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की जा रही है, रोड शो किए जा रहे हैं, चुनावी सभाएं रैलियां निकाली जा रही हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, सबसे पहले तो आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और दिवाली का त्यौहार है लेकिन इस बीच चुनावी सभाएं भी लगातार होने जा रही हैं, नई नई रणनीति, आज त्यौहार के दिन भी दोनों ही दलों ने नई रणनीति बनाई है। बिल्कुल, आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, हमारे न्यूज 20 पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिलहाल हम दिवाली की बीच बात करें तो मध्य प्रदेश में सियासत का दौर जारी है, चुनावी तैयारियां जारी हैं और आज दिवाली के दिन जब सब अपने घर पर दिवाली मना रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ताबड़तोड़ 4 सभाएं करेंगे और इन सभाओं में लोग भी मौजूद रहेंगे। मालथौन में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, राजधानी भोपाल की बात करें तो बैरसिया के साथ ही धार में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज चुनावी सभाएं करने वाले हैं। और जब से आचार संहिता लगी है मध्य प्रदेश में, तब से बात करें तो 122 से अधिक सभाएं कर चुके हैं लेकिन दिवाली के बाद भी ये सभाओं का दौर, ये प्रचार का दौर थमने वाला नहीं है। 15 नवंबर तक शाम 5 बजे तक जो प्रचार होगा और मुख्यमंत्री ने तय किया है कि आने वाले समय में कुल 188 चुनावी सभाएं वो करें, इसकी तैयारियां की गई है। यानी आज दिवाली के दिन जो ताबड़तोड़ 4 सभाएं होंगी उसके बाद शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल लौटेंगे और अपने मुख्यमंत्री निवास पर दीपावली की पूजन करेंगे लेकिन कल सुबह से फिर निकलेंगे सीएम और फिर लगातार जो चुनाव का सिलसिला है, ये सभाओं का सिलसिला है, रोड शो का सिलसिला है, ये लगातार जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी हो, कांग्रेस, तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनकी चुनावी सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, उनका रोड शो लगातार चल रहे हैं लेकिन आज जो बड़े नेता हैं और जो चुनाव मैदान में हैं वो अपने क्षेत्रों में प्रचार करते नजर आएंगे, वो दूसरे के विधानसभा में जाकर प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसे अकेले नेता हैं जो आज के दिन भी 4 विधानसभाओं में जाकर चुनावी प्रचार करेंगे। ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। तो तमाम चुनावी सभाएं हैं और तमाम जगहों पर पहुंचे